चूड़ी बिंदी ले लिपस्टिक ले सब कुछ ले लोहे ले प्लास्टिक से ले चूड़ी ले। अरे भैया क्या बेच रहा है? अरे मैं बेच रहा हूँ औरतों के सामान। औरतों के सामान? हाँ। औरतों के सामान तो बहुत होते हैं, तू सारे सामान बेच रहा है औरतों के? चूड़ी बिंदी लिपस्टिक बिछिया, तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा हाँ। लोकल लाया होगा माल। तुम कैसी बात कर रही हो? कोई मंगल बाजार में से ये देखना, ये देखो हर एक एक नई नई चीज, ओरिजिनल चीज, क्वालिटी की चीज, मजबूत चीज, टिकाऊ चीज, चूड़ी बिंदी लिपस्टिक सब चीज है। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? बढ़िया सी सोसाइटी में बेच जाएगा, गांव में कौन ले रहा है? गांव में तो वैसे भी निरी दुकानें हैं। मैं थोड़ा हटके करता हूँ। अच्छा अब तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम्हें सामान लेना है तो लो वरना मुझे बोनी का समय है, मेरा दिमाग मत खाओ। अरे रुक जा, बोनी के समय तो कहीं ना, तू ऐसे डायमंड के वो बेच रहा है? क्या कह रहा है तू कि हमने कुछ ना देगा? हाँ, हाँ, तो उससे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, मुझसे ज्यादा मुझसे हाँ। ज्यादा। अरे मैं रोज सुबह से लेके शाम तक कम से 50 किलोमीटर पैदल घूमता हूँ बेक बेक के। और क्या बेकेगा ना कब? जब खाएगा तो बेकेगा अभी। और क्या तुझे कोई हराम की खिला देगा? तो मैं हराम हराम का खा रहा हूँ? ये दिख नहीं रहा इतना भारी भारी रकम दुकान अपने सर पे लेके चल रहा हूँ? वालों को चूतिया मत बना। चूतिया बना रहा हूँ सामान बेच के? मैं चूतिया बना रहा हूँ। लिपस्टिक लगाने से होंठ खराब हो जाते हैं लेडीजों के, तुम्हारे हो जाते होंगे। अरे ओरिजिनल और क्या तेरे होंगे, लेडीज लगाएंगे तो लेडीजों के होंगे। लिपस्टिक के होंठ बढ़िया लगते हैं, तुम्हारे भी तो लग रहे हैं बढ़िया। अरे बेवकूफ ये देख, फालतू में नकली सामान बेचेगा तो लिपस्टिक से होंठ खराब होंगे ना होंगे, क्रीम बेचेगा एलर्जी कर जाती है चेहरे पे। ऐसा है बहन जी, मुझे बुरा कह देना, मेरे सामान को बुरा मत कहना, मैं बता रही हूँ। हाँ तेरा सामान तो बड़ा लैक्मी वालों के यहाँ से लेके आया है ना तू? उससे भी बढ़िया है मेरा सामान। अबे चल तू, तेरी शकल देख के लग रही है कि तेरी शकल ही खराब है तो तेरा सामान भी खराब होगा। सामान तो बहुत अच्छा है, यूज करके देखो। मैं ना करना यूज, मैं बहुत अच्छी कंपनी का लगाती हूँ, मैं ऐसी वैसी कंपनी का सामान ना लगाती। वो लगा लिए होंगे लोहे प्लास्टिक से, 5-5 रुपए वाले यूज कर लिए होंगे। ये लिपस्टिक लग रही है ना, कम से कम 200 रुपए की लिपस्टिक है ये, दुबई से आई है लिपस्टिक जो मेरे पास है दुबई से। अरे वही है ना, बड़ा शहर और छोटे काम वाले काम होते हैं। अच्छा जैसे लोग, तुम बहुत दिख रही हो बड़ी क्वालिटी लगाने वाली है। मैं तो बड़ी क्वालिटी लगाने वाली। अरे चलो तुम मेरा दिमाग ऐसा है, मेरे घर की तरफ मत चला गई, टांगे तोड़ दूंगी तेरी। कहाँ है तुम्हारा घर? वहीं जाऊंगा। चूड़ी ले बिंदी ले प्लास्टिक ले लट्टू ले औरतें। अरे भैया रुक जाओ, क्या बेच रहे हो? बहन जी श्रृंगार का सामान है सारा महिलाओं का। अरे तो इधर दिखा जाओ क्या बेच रहे हो, इधर आ जाओ। हाँ बहन जी। अरे क्या क्या है इसमें? बहन जी इसमें लिपस्टिक चूड़ी बिंदी बिछिया महिलाओं का सारा सामान है मेरे पास। सारा सामान है? हाँ जी। कौन सी क्वालिटी का है? क्वालिटी बहुत अच्छी है, दुबई से आया है। दुबई से? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। सामान अच्छा है ना? अरे सामान बहुत अच्छा है, उसकी बेफिक्र तो आप टेंशन मत लो, वो मैं हूँ। ठीक है तो ऐसा करो घर चलो हमारे, घर और भी लेडीजें खड़ी हुई हैं। नहीं नहीं बहन जी मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे बिकूंगा अपना सामान। क्यों? आप यहीं पे औरतों को इकट्ठा कर लाओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ, आप बुला के लाओ। अरे वहाँ इतनी औरतें हो जाएंगी, बहुत सामान बिक जाएगा वहाँ पे। अरे बहन जी मैं तो अपना सामान यहीं बिकूंगा, मैं किसी घर नहीं जाता। नहीं है तुम्हारा जी, जितना भी सामान है ना सारा सामान बिक जाएगा, आता तो मैं ही ले लूंगी और जो बचेगा वो सारा बिकवा दूंगी मैं। अरे नहीं। हाँ अरे तो फिर क्या बात, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे। चलो पहले मुझे तो दिखा दो। आप तो यूं कह रही थी और अरे और औरतें भी हैं, पहले मुझे तो पसंद आ जाना चाहिए। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है भैया, सामान तो दिखाओ, क्या क्या सामान है तुम्हारे पास? अब मुझे ये बताइए क्या चाहिए तुम्हें? मुझे एक तो हार दिखा दो। एक हार? हाँ। अच्छा और? और एक लिपस्टिक दिखा दो, पहले तो ये दिखा दो चीज। एक लिपस्टिक दिखा दूँ? और एक हार। हार? हार कैसा चाहिए, सोने में या चांदी में? सोने चांदी के रखते हो, कुछ सुनार हो? मैं थोड़ा मोदी लाइन चाहता। अच्छा अच्छा तो मैं हार दिखाता हूँ ऐसा कि नहीं है कहीं जैसा, ठीक है? अच्छा दिखाओ दिखाओ कैसा हार है। हाँ दिखाओ भैया। ये लो ये है हार, और ये बढ़िया वाला हार है। अच्छा इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि हाँ, एक बार पहन के निकल जाओगी ना तो बस सारी औरतें यूं कहेंगी ये बहन हमें भी ला दे, कहाँ से लाई है। अच्छा अच्छा हाँ। नहीं वैसे हार तो अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ। क्या प्राइस है इसका? अब देखो मैं आपसे क्या कहूँ,
प्राइस तो बहुत है, लेकिन आप सुबह सुबह मेरी पहली बार ही बहनी की टाइम है और तुम है ना जो चाहे वो दे दो। वैसे इसका तो 1500 रुपए इसका वो है दाम। 1500 रुपए? हाँ इसका। अरे वैसे तो 2500 में बेका है मैंने कल परसों, लेकिन वो मैं पहली बार दुकानदारी बहनी का समय है इसीलिए 1500 का बता रहा हूँ तुम्हें। चलो ठीक है, और वो और दिखाओ लिपस्टिक। अच्छा अच्छे बताओ, वो तो मैं दिखा दूंगा, पहले इसे यहाँ रख लो। ये फिक्स हो गया? हाँ ये फिक्स हो गया। तो इसे यहाँ पे रख लो। अरे इधर रख दो ना इसको। अच्छा ये तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है वैसे? अरे मेरे घर में कौन कौन रह रहा है उससे क्या मतलब है, लिपस्टिक दिखाओ मुझे। नहीं वो ऐसा है ना, पूछना जरूरी है, अभी मैं अकेला हूँ, फालतू में कोई चार आदमी जाए फिर सही नहीं है ना, इसीलिए पूछना, मैं उसी हिसाब से बात करूंगा फिर। देखो मेरे घर में मैं, मेरी जेठानी, मेरे पति। पति भी है? क्यों, मैं क्या तुम्हें कुंवारी लड़की लग रही हूँ? नहीं वैसे अभी अभी नई नई शादी हुई है। हाँ नई नई शादी हुई है। तो देखो मेरे पति है और जो मेरी जेठानी है, ठीक है, उनके पति मतलब मेरे जेठ। अच्छा वो बाहर रहते हैं? अच्छा बाहर नौकरी करते हैं। अच्छा बस इतने ही लोग हैं हमारे घर में। अच्छा चार लोग, चार में से तीन रहते हैं। नहीं देखो मैं पति की इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि देखो मैं पूरे गांव में घूम के आया हूँ और ऐसी एक भी महिला नहीं मिली, सारी पुरानी दुरानी थी, तो मैं सोचा नई नई शादी हुई है अभी तो इसीलिए। और सही बताऊँ मैं दुकानदारी में कम ध्यान रहा, फिर मैं तुम्हें देखता रह गया। मैंने यार बड़ी खूबसूरत मासूम सी अभी एक औरत मिली थी बीच रास्ते में, भाई साहब सुबह सुबह मेरी बुद्धि की हटा के चली गई वो। अच्छा हाँ जी। और हाँ तुम क्या कह रहे थे, मेरी नई नई शादी हुई है? हाँ। मेरी नई शादी नहीं हुई, फिर मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। 5 साल? हाँ। अरे नहीं। अरे नहीं क्या, 5 साल हो चुके हैं मेरी शादी को? ऐसा लगता है 5 दिन भी नहीं हुआ अभी तो। अब वो तो देखने में लगता है। 5 साल हो गए, 5 साल में बच्चे कितने? बच्चे? हाँ बच्चा तो एक भी नहीं है। बच्चा एक भी नहीं है? हाँ। अच्छा बच्चा हुआ ही नहीं है अभी? हुआ नहीं है? नहीं। इलाज विलाज चल रहा है? नहीं इलाज विलाज तो करा लिया लेकिन फिर भी नहीं हुआ। फिर भी नहीं हुआ? नहीं। तो इसी बात पे मुझसे हाथ मिलाइए। क्यों? नहीं चलो मत मिलाइए क्योंकि मैं ना खुश हो जाता हूँ ना तो मैं हाथ मिलाता हूँ। अच्छा और सामने वाले की सारी मन्नतें पूरी कर देता हूँ तो इसी बात मन्नतें पूरी। हाँ मिलाइए हाथ। हाँ अब सुनिए, बच्चे से लेके सारे दुख मैं चुटकियों में फुर कर सकता हूँ, मेरे पास सारे इलाज हैं सारे। वो कैसे है? वो ऐसे तुम्हारा 5 साल से बच्चा नहीं हुआ। हाँ और मैं अगर करवा दूँ तुम्हारा बच्चा फिर? अरे तुम कौन से देवता हो जो मेरा बच्चा करा दोगे, इलाजों से तो हुआ नहीं, इतने पैसे खर्च कर लिए मैंने। लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या? हर एक हफ्ते में मुझसे मिलना पड़ेगा तुम्हें। हर एक हफ्ते बाद? हाँ मैं दवा भाई, वो हफ्ते के हिसाब से दवा चलती है। अच्छा और मैं ये ही नहीं देखता मैं तो? मैं तो अब तुम्हें जैसे कि अब भाई मैं हर रोज सो नहीं सकता। मतलब कहने का मतलब ये है ये काम भी करते हो और भी काम करते हो? वो मैं कर लूंगा, पूछो क्यों। अब यार हर बार मैं वो लेके आऊंगा ना ये लेडीजों के सामान। हाँ। तो अब महिलाएं इसमें गांव में वैसे भी भूखे नंगे हैं, कौन खरीद रहा है डेली डेली, खाने पीने का भी सामान ऐसा बिक जाया करेगा, उसके बहाने में तुमसे मिलने आ जाएगा। खाने पीने में क्या क्या ला सकते हो? जो तुम मंगाओ। क्या रबड़ी ला सकते हो? मुझे रबड़ी बहुत पसंद है। अरे रबड़ी तो क्या, मैं दूध भी यहीं पे चला दूं तुम्हारे सामने बैठ के उसकी रबड़ी बना दूंगा मैं तुम्हें। और क्या क्या ला सकते हो? देखो मैं 7 हफ्ते में होते हैं 7 दिन और मैं 7 दिन हर रोज एक नए दिन कुछ नया नया बेचता हूँ, रबड़ी समोसे जलेबी मूंगफली धनिया सब्जी। अरे मैंने ऐसा कोई आइटम नहीं है जो मैंने नहीं बेचा हो। तो लगता है मेरी तुमसे पटरी खा जाएगी। पटरी खा जाएगी नहीं, खा गई। हाँ सही बात है। हाँ अच्छा ये बताओ कल क्या लेके आओगे? जो आप मंगाओ। तो कल तो तुम्हें ऐसा ही करना, पहले तो रबड़ी ले आना। रबड़ी? हाँ। अरे और सफेद वाले रसगुल्ले। ओए होए होए सफेद वाले रसगुल्ले भी? हाँ। ओए होए अच्छा ये दोनों चीज ले आना तुम। अच्छा हाँ अच्छा और क्या चाहिए इसमें तुझे? देखो हार तो मैंने ले लिया और मेरी तुमने लिपस्टिक नहीं निकाली अभी। ओहो लिपस्टिक, ऐसे बिना लिपस्टिक के भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा मैंने देखा तो नहीं है लेकिन बता रहा हूँ अपने अंतर मन से, कौन सी चाहिए, लाल पीली हरी? दिखाओ इसी को दिखाओ। वैसे तुम हरी वाली ले लो। अरे रीस को तो खैर मैं कम लगाती हूँ, उस वाले को दिखाओ। ओए होए वाह लगा के देखो। हाँ लिपस्टिक तो अच्छी लग रही है, क्वालिटी भी अच्छी है। अरे मैं कह तो रहा था दुबई से। एक ये लिपस्टिक हो गई, एक हार हो गया। हाँ जी। और एक वो और निकाल दो। क्या? क्रीम। क्रीम? अरे यार क्या करोगी, क्रीम तो वैसे भी तुम इतनी मलूक हो। अरे तो कल तो चाहिए ना लगाने। खुशबू बहुत अच्छी है लेकिन तुम्हारी खुशबू से अच्छी नहीं है। चलो एक क्रीम हो गई एक हार हो गया, अब इसके पैसे जोड़ दो कितने हो गए। पैसे क्या, मैथ में तो मैं बहुत होशियार हूँ। देखो वो गए हार गए, हार चुरा लिया। अरे हार तुम्हारे डिब्बे में रखा भी निकाला भी है। मैं तुम्हें देख के बौखला गया हूँ यार। अच्छा अच्छा 1500 500
और ये वैसे 800 रुपए की आती है, दुबई से मंगाई थी। 800 की ला रहा हूँ उसे, ये हो गई 2500। 2500 में तुम 5-10 रुपए कम दे दो ला के। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे 2500 हो गए, इसे लगाऊंगी मैं 1000 का, देना दो मत दो, तुम्हें मिलेंगे 2000 रुपए। कैसी बातें कर रही हो यार तुम, कैसी बात है, नहीं तुम्हें देना है तो दे दो, नहीं मत दो, बताओ फिर। 2000 में? हाँ 2000 रुपए। 2000 में दे दूँ? हाँ 2000 लेके आओ, चलो सुबह तुम्हें वक्त है लेके आओ। ठीक है ठीक है, लाओ सामान दो मैं रखाऊंगी। अब पहले पैसे लेके आओ। अरे तुम्हें तो विश्वास भी नहीं है। अरे विश्वास क्या, तेरे पैसे लेके आओ। 500 रुपए का 2000 मिल दिया मुझसे ज्यादा। ये लो 2000 की गड्डी है। पूरे नोट है? हाँ पूरे नोट है, गिन लो। अरे करा रहे हैं, बैंक से निकाल के लाएंगे। मैं कान से गिनता हूँ। अच्छा कान से, अब सामान तो दे दो मेरा। ये लो पकड़ो, चाय आएगा तब, तुमने पूछा नहीं। अरे चाय वाय कल भी लेना, कल रबड़ी लेके आओ तब। मैं फिर आऊंगा फिर। ठीक है जाओ। लिपस्टिक ले, बिंदी ले, चूड़ी ले, बिंदी ले, चूड़ी ले। रुक जा, एक बात बता, इस गांव में कैसे घूम रहा है भाई? ओ ताऊ, हाँ अकड़बाजी किसी और को दिखाना, सही है? अच्छा मुझे मत दिखाना अकड़बाजी, बेशक मैं सामान बेच रहा हूँ लेकिन तुम तो हैसियत में बहुत बड़ा हूँ। सामान का नीचे उतार, डलिया को क्या उतारू पहले बताओ। अरे नीचे तो उतार, नीचे उतार जे ना। मैं इस गांव का नागरिक हूँ तो मेरा हक बनता। अरे तुम गांव के नागरिक हो, मैं सबका नागरिक हूँ। हाँ तो क्या है इसमें? अरे तुम्हारे मतलब की चीज है ही नहीं इसमें, तो क्या दिखा दूं तुम्हें? तो मुझे बता दो सही, क्या नहीं है मेरी मतलब की चीज? मुझे भी तो मालूम पड़ेगा मेरे ऐसी कौन सी चीज बनी है मेरे मतलब की नहीं है। अच्छा पहले बताओ, शादी होगी तुम्हारी? हो गई शादी? शादी? हाँ क्यों नहीं हुई शादी मेरी? मेरी शादी को 6-7 साल हो गई। अच्छा लग तो नहीं रही। अच्छा मतलब शादी हो जाएगी तब लगाएंगे कि शादी हो गई है, लगना ही पड़ता है। शादी हो गई है तो दिखा दे रहा हूँ, भाभी का मतलब का सामान है देखो, चूड़ी बिंदी। अरे हाथ मत डालो इसमें, गंदा हो जाएगा सामान। क्या 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 इसमें? चूड़ी बिंदी लिपस्टिक। मैं सोच रहा था कोई चूरन चटनी का सामान है, मैं खा लूँ पेट भर लूँ अपना। कैसे कैसे ऐसा है, एक बात बता, इस गांव में तो ऐसी कोई बैयर है नहीं जो कि ऐसे कोई सजेगी संभरेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तेरा इस गांव में कौन सा कुछ नहीं निकलेगा इन सामानों का। इस गांव की बैयरवानी तो सारा सजना चाहती है लेकिन उनके पति साले नंगे हैं। निकलो अब। मतलब तू हमें देख के नंगा बता रहा है? मैं तुम्हें देख के नहीं बता रहा, मेरा सामान इस गांव में बिकता ही नहीं है। तो वो तो बिकेगा ही नहीं। जब एक बात बताओ, हमारे पुरखा मर गए और हमारे पुरखों की जो हमारी अम्मा थी उन्होंने आज तक सजावट नहीं की अपनी, तो वो अपनी बहुओं को कैसे वो करती कि वो सजावट करें? अरे तुम्हारी बहुओं पे पैसे ही नहीं है। अब तुम ये बताओ, इतनी देर मुझे यहाँ खड़े होकर चाट रहे हो, इतना काम अगर दिमाग काम में लगाओगे, पैसे आएंगे तो बहुओं को दोगे, बहुओं को पैसे दोगे तो वो सामान खरीद देंगी, तुम लोगों की वजह से मेरी दुकानदारी नहीं होती। ऐसा काल कम बजा निकल जाता। तुम निकलो, कुटिया निकल जाते। अबे ताऊ ज्यादा अकड़ मत दिखा, बता रहा हूँ चल। इसका गांव में आना बंद कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये गांव में आया तो गांव की सारी बैयर आजाद हो जाएंगी। अरे भाग्यवान कहाँ चली गई है? क्यों चिल्लाते हो? चिल्लाते हैं हम, हमें चिल्लाना दिख रहा है हमारा? एक तो हम काम करके आए खेत में। देते तो चिल्ला रहे हो, फिर भी कह रहे हो मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ? चुप रहे, एक तो खुद ससुर आगे आइए, ऊपर से हमसे कह रही है क्या क्या चिल्ला रही थी? काम कर रही थी, बैठी नहीं रहती हूँ मैं घर में। काम कर रही थी, देख रही हो तुम काम करने वाली? और क्या तुम ही काम करते हो? तुम थोड़ा सा खेत में क्या काम कर लेते हो? ऐसा लगता है ना कि तो पूरा दिन तुम ही कर करते तो रहते तू जाया कर खेत में, मालूम पड़ जाएगी थोड़ा और कम करना। हमारा काम घर का करना होता है, चिल्लाना ही आता है तुम पे, और तो कुछ आता नहीं। अरे चल शांत रह, गाल कम बजा सुन रही है? नहीं बनते हो मर्द, 6 साल हो गई, कोई बच्चा तो दिया नहीं गया अब तक। अरे हमारी मर्जी, हम बच्चा करें नहीं करें, हम हमारी मर्जी होगी हम करेंगे, और नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तुम कभी नहीं कर सकते। अरे चुप कर चल, नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा मतलब इंसान है हमारे गांव में जिन्होंने बच्चे नहीं किए? अब वो अपने अपने मन की बात है, अभी हम नहीं कर रहे। अगर कर सकते ना तो अब तक हो जाता, और हम नहीं कर रहे। हो नहीं जाता, दो बच्चे हो जाते। अरे अब लेट हुआ, बच्चे ही होगा अब। ऐसा सुन पहले मेरी बात सुन, 2000 रुपए रखे होंगे, वो 2000 रुपए दे मुझे, खाद लेके आना जरा। 2000 रुपए? हाँ कौन से 2000 रुपए? अच्छा 2000 रुपए नहीं मालूम तो कौन से 2000 रुपए? अरे तुमने जो 2000 रुपए मुझे परसों दिए थे वो तुम कल ले गए थे। कब कल ले गया था? काय को खा में खा पागलपंती कर रही है? तुम पागल हो गए? कभी नहीं ले गया 2000। तुझे पता है 2000 रुपए एक से उठ के आए थे मेरे हरिया से, उसको मैंने मतलब कुछ चीज बेची थी, उसको उठ के आए थे उसके 2000 रुपए, तो वो मैंने तुझसे कहा था, मैंने कि ऐसा कर लता, मैंने ये 2000 रुपए तू रख दे
और ये 2000 रुपए मैं जरूरत में मांग लूंगा। और आज मुझे जरूरत पड़ी, मुझे लेके आना। जरूरत नहीं, वो तुम्हें कल जरूरत पड़ी थी और तुमने ले भी लिए। मैं क्यों लूंगा? तुमने कहा मुझसे मुझे कुछ सामान लेकर आना है। अरे मेरी आंखों में खेत के लिए, मेरी आंखों में क्यों धूल झोंक रही है? मैं धूल नहीं झोंक रही, मैं सही कह रही हूँ। अरे नहीं ले गया यार भाग्यवान, मैं कह रही हूँ लेके गए हो। अरे नहीं लेके गया, मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ बोल रही है, 2000 रुपए लगा के दे चल। अरे मेरे पास नहीं है, मैं कहा से दूं जब मैं तुम्हें दे दिया कल? तेरे पास 2000 रुपए नहीं है? अरे नहीं, जो डंडा पड़ेगा सब उगल देगी, कहां 2000 रुपए? मुझे तो लगता है तुम पागल हो गए हो। पागल हो गए और पगला गए, लेके तुम्हें ध्यान तो रहता नहीं। अच्छा, और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? जवान चला रही है मुझे? जवान मैं नहीं, जवान तुम चला रहे हो। चला रहे हो, एक तो मतलब की तमीज नहीं है बोलने की। अगर तुमने ज्यादा मुझसे बकवास की ना, अपने बोरिया बिस्तर बांध के अभी अपने घर चली जाऊंगी। अभी निकल, निकल अभी। ठीक है, निकल जा, जरूरत नहीं है मुझे तेरी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैंने अपने कपड़े पैक कर लिए। तो बाकी में आ गई, बाकी मान माफ कर दे मुझे, ऐसा था। मैं रोटी कैसे खाऊंगा? कौन बना रोटी? रोटी बनवा लो, अपनी बहन को बुला लो, अपनी माँ को बुला लो। अरे नहीं भाग्यवान, तो क्यों इतनी खाना खा की वो टेंशन कर दिया घर में? मैं टेंशन नहीं कर रही, और मुझे जाने दो। ना ना, मैं नहीं जाने दूंगा, बात समझा गया। बैग दे मुझे, पड़ो मेरा बैग। और हाँ, अगर तुमने रोकना ही है ना, तो एक शर्त पर रुकूंगी। अब कौन सी शर्त आ गई भाई? तुम्हें न्यारा होना पड़ेगा। अरे कैसी कैसी बात, अलग रहूंगी। अबे तो न्यारे के लिए हम साजे कौन से हैं? एक बात बता, हमारे घर में है कौन? ना कोई बुड्ढा, ना हमारी बुढ़िया। मेरी एक भाभी है, भैया रहते हैं बाहर, और तू और मैं बस दो। तुम्हारी वो भाभी? हाँ, वो भाभी से ही तो अलग होना है मुझे, क्योंकि वो तुम्हारी भाभी है ना, एक नंबर की मक्कार औरत है। हमारी भाभी के बारे में मत बोलना। देख हाँ, बुआ वाली बात एक अलग है कि तुझे न्यारा होना है, तो मैं देख एक बार के लिए मैं बात कर लूंगा भाभी से, पर तू भाभी के लिए कुछ नहीं बोलेगी, तेरी खुशी के लिए हम न्यारे भी हो जाएंगे। पर ऐसा अगर उससे पहले 2000 रुपए दे दे, वो मैं बोल आऊँ यार, खाद ले आऊँ। मेरे पास 2000 रुपए नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे अब तू चल, दोबारा कहे मत देना, ठीक है? तू जा कर चुप कर यार, ये इसने दिमाग खराब कर दिया। 2000 रुपए है नहीं, अब किसी से मांग के काम चलाना पड़ेगा। भाभी राम राम। राम राम। और बढ़िया हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे बड़बड़ाते हुए आ रहे हो? भाभी एक बात बताओ, मेरा दिमाग खराब है आज। क्या हुआ? देखो मैंने 2000 रुपए रखने के लिए दिए उस लता को, है ना? अब 2000 रुपए रखने के लिए दिए, मुझे अब भी याद है कि मैंने उससे बीच कुछ में 2000 रुपए नहीं मांगे हैं। फिर कहाँ गए वो पैसे? अब मैंने आज मुझे जरूरत पड़ी खाद के लिए भाभी, मैंने कि 2000 रुपए उठा के दे थे, वो जो मैंने तुझे रखे हुए दिए थे, वो 2000 रुपए का ही पता नहीं। ऐसे कैसे हो जाएगा? कले दो हजार रुपए उड़ाएगी अब ये? कले शोर कर रही है के लिए। ना 2000 रुपए उड़ाएगी? बताओ, चलो मैं देखूंगी। बात 100 रुपए की हो, 50 की हो, तो भाभी चले। एक बात बताओ, ऐसे कैसे हो जाएगा? 2000 रुपए उड़ाएगी? बड़े इसके लखपति बाप ने इसके हमें नोट बांध दिए। भाभी एक बात बताओ, 2000 रुपए अगर मैं तुम्हें भी रखने के लिए देता, तो तुमने भी अच्छा एक बार 100 रुपए दिए थे तुम रखने के लिए, और कितने दिन बाद मांगे थे तुमने 100 रुपए उठा के दे दी? देवर जी मैं तो घर जोड़ने वाली लेडीज हूँ, मैं फैशन नहीं करती हूँ। मैं तो आज भी भाभी, मैं तो आज भी कह देता हूँ कि मेरी भाभी जैसी तो इस गांव में पूरे में नहीं होगी। अरे हो ही नहीं सकती, पूरी जिंदगी पूरी निकल जाए ऐसी ना मिलेगी तुम्हें भाभी। मैं अभी देखती हूँ उसे जाके, ऐसे कैसे पैसे खर्च कर देगी। चलो मेरे साथ, मुझे किसी से उधार लेना पड़ेगा, अब जाओ आगे ले जाओ। आप ही जाओ, मैं नहीं जाऊँगा भाभी, लड़ाई हो जाएगी, और कुछ नहीं है, खामो खांगे। कहाँ है, बाहर निकल गई है लता? कहाँ है? दीदी हाँ बोलो। ये बता, जब तुझे 2000 रुपए रखने के लिए दिए, तो तूने कहाँ उड़ा दिए? मैंने कहाँ उड़ा दिए? मैंने क्यों उड़ा दिए? तुम्हारे दीवार मुझसे ले गए थे कल। कहाँ ले गया था? कहाँ ले गया था वो? कल उन्होंने मुझसे मांगे, तो मैंने दे दिए। मैं मान ही नहीं सकती इस बात को, बिल्कुल नहीं मान सकती। वो ऐसा है ही नहीं है। अरे वो कैसे ले जाएगा? मैंने अपने हाथों से दिया है उनको पैसे। तू चुप रहे, मुझे सब पता है। ऐसे ना चलेगा ये घर, समझ में आ गई ना? 2000 रुपए उड़ाएगी तू? है? क्या बकवास कर रही है तुम? क्या बकवास क्या कर रही हूँ मैं? ठीक है, अब बकवास लगने लगी है, जवान मत लड़ाइए मुझसे। तुम अपने देवर की सिफारिश लोगी? सिफारिश लूंगी, क्योंकि तेरे दिमाग से घर नहीं चलेगा, ये मेरे दिमाग से घर चलता है। घर मेरा भी है। घर तेरा है, लेकिन घर तेरी वजह से नहीं चलता, समझ में आ गई ना? और ना तेरे दिमाग से चलता घर, चलता हमारी वजह से। मैं भी हूँ घर की बहू बेशक है, लेकिन दिमाग दो रत्ती भर का भी नहीं है तेरे अंदर। हाँ ठीक है, तेरे अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है। मैं खाना नहीं खाती। मंद बुद्धि है तू, तू खाना खाती है पेट भरने के लिए। ठीक है, पेट भर जा, फसले मार के सो बस, और क्या है? तुम ज्यादा मुझसे बकवास ना करो। ओए बकवास की बात मत करियो, तू बता रही हूँ मैं, जब से तू आई इस घर का नाश हो गया। अच्छा हाँ, मेरे आने से इस घर का नाश हो गया, पटपरा हो गया, एक चबन्नी नहीं रहती घर में। अरे मेरे आने से तो
बहुत तरक्की हुई इस घर में। अच्छा? तुझसे पहले की आई हुई हूँ मैं, समझ में आ गई? मैंने गरीबी भी काटी इस घर में। देखो तुम बड़ी हो इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी कहोगी। अरे बहुत कुछ कहूंगी, तू कैसी बात कर रही है? मैं तो बहुत कुछ कहूंगी और कहूंगी और जिंदगी भर बिल्कुल नहीं कहूंगी, बिल्कुल ही कहूंगी। अब तो आप बता तू कर क्या लेगी मेरा? मैं अब अलग रहूंगी और न्यारी होंगी। अच्छा? हाँ। जो तेरे हिस्से में आएगा उसे सबको उड़ा दियो, है ना? मैं अपने हिस्से का कुछ भी करूँ मैं न्यारी नहीं करूंगी जब तक जिंदी हूँ मैं। और अगर न्यारा होना है तो जाके जा घेर पे रह ले जा, एक खूटी कौड़ी ना मिल रही तुझे। ससुर का मकान है, इतना हक तुम्हारा है उतना ही हक मेरा है। अच्छा? हाँ हाँ बोल 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 बोल। पैसा इसमें घर में खर्च कर सकती हूँ, वो मेरे पति का पैसा था। कहाँ से? कुछ भी। कहाँ लाता है तेरा पति इतना? कहाँ कमाता है? कहाँ कमाता है? हिस्सा नहीं है क्या? हिस्सा है, काम कहाँ करता है? मजदूरों पर काम कराती हूँ मैं, समझ में आ गई ना? हाँ, और सबसे ज्यादा तो मेरे पति से, मेरे पति की कमाई से घर चलता है। साझे में करते हैं? कोई साझे बाजे में नहीं करते। और सुन, ये जो घर चलता है मेरे पति की कमाई से चलता है, समझ में आ गई ना? विदेश में रहते तो इसका मतलब ये मेरे पति काम नहीं करते क्या? करते हैं, खाते नहीं हो? खेत में मजदूरी के तरह काम करते रहते? खाते नहीं हो? ढसीलते नहीं हो? तुम खाती हो? भैंस की तरह चढ़ते नहीं हो? देखो मैं तुमसे बहस करना नहीं चाह रही, ठीक है? तो तू करी काय को रही, जाके अपना काम कर। मैं काम नहीं और तुमसे अलग रह के काम करूंगी। हाँ तो अलग रह लिए, कूटी कौड़ी ना देने क्यों, तेरे मुंह पे एक चबन्नी भी ना मारने क्यों? कहाँ है नहीं, बाहर निकली हो? सुन मैं जा रही हूँ जरा पानी लेने, ठीक है? और एक काम करियो, गेट वेट लगा के रखियो, दूध वूध बिल्ली बिल्ली ना आ जाओ, किचन का वो लगा दियो। ठीक है ना? लगा लूंगी। चल ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ। मैं इधर आई हूँ एक मिनट। क्या ये हार कहाँ से लाई तू? इतना सुंदर, इतना महंगा भी लग रहा है मुझे तो। अरे मेरे भैया ने दिया था मुझे। तेरे भैया ने? और क्या, दोनों नंग की शादी तो हम करके लाए, तेरे खानदानी नंगे आए तो उनसे कहाँ से आ गया वो हार? वो तो खानदानी नंगे। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? शर्म क्यों आएगी? अरे नंगों को तो नंगों ही बोलूंगी ना, लखपति थोड़ी कह दूंगी, कुत्ता को कुत्ता ही कहूंगी, शेर थोड़ी कह दूंगी। तुम्हारे घर वाले बड़े पैसे वाले? बहुत पैसे वाले है, सुनो। तभी तो इतना पहन ओढ़ के रहती हूँ। अरे मैं दिखाती नहीं हूँ तेरी तरह, समझ में आ गई ना? कल मेरे पास है तो मैं दिखा रही हूँ और पहन भी रही हूँ। लेकिन बता लेके कहाँ से आई तू? तू मुझे बता लेके कहाँ से आई है? कौन से तेरे यार ने दिया ये हार तुझे? देखो बदतमीजी तो बोलो मत। बदतमीजी बोलूंगी जब ऐसी अभद्र चीजें लेके आएगी, जब ये चीजें हमारी नजर से अलग है तो ये मैं तो ऐसी कहूंगी। अब बता बता, मेरे भाई ने दिया है। कौन सा भाई? भैया है, सही है, कुछ और ही है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। भैया? अच्छा, सही है भैया कहने की जरूरत नहीं है। कौन सा भैया तेरा? ठीक है, कौन सा तेरा सगा भैया? तो कोई है नहीं, वो चाचा ताऊ के मामा के हैं बस, मामा फूफी के। तो सगा भैया तो कोई है नहीं तेरा? तो चाचा ताऊ की दे नहीं सकते क्या? अच्छा, चाचा ताऊ के तेरे ऐसे लेने आ जाएंगे, तुझ पे देगा कोई ना कुछ भी? ठीक है, कोई नहीं देगा मुझे क्या? घर में मेरे छिनहरपना मत फैला। चूड़ी ले, बिंदी ले। तेरा अभी तक सामान बिकाई ना? अरे फिर मिल गई तुम यार। फिर मिल गई मतलब? कुछ नहीं। हाँ क्या कह रही थी आगे बोलना? तेरा सामान बिका भी है ऐसे लेके घूम रहा है इस तसले को? मेरा सामान बिके या ना बिके उससे तुम्हें क्या मतलब है? अरे मतलब तो है, क्यों मतलब क्यों ना है? तुम्हें कैसे मतलब हो जाए? सामान मेरा, सब कुछ मेरा। मैं गाँव वालों को चूतिया ना बनने दूंगी, अपनी मोहल्ले की औरतों को समझ में आ गई ना? ऐसा लगता है सबकी हमदर्द हो? अरे हमदर्द ना हो तो गाँव मोहल्ले की बहू तो हूँ, है संग की सहेली तो हूँ मैं। सामने गली दिख रही है, मैं उसमें जा रहा हूँ। किसको दे के आया हूँ अब क्यों? अरे सारी कुंडली तुम्हें बता दूँ? बता रहा है नहीं बता रहा, वरना झांकने ना दूंगी उस गली में, मेरी हुकूमत चलती है वहाँ। अच्छा अच्छा, तो सुनो बोल। वहाँ एक बड़ी सुंदर सी नारी रहती है, महिला, बहन जी। अच्छा, वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ जा रहा हूँ मतलब? सामान ले रहा है घर जो दिख रहा है। अरे वो तो बहुत सामान लेती है, तुम्हारी तरह थोड़ी ना है। अच्छा, तुम्हारी तरह थोड़ी ना है, कम पैसे वाली, बहुत पैसे वाली है वो तो। अच्छा, उसे दे के आता है तो सामान? हाँ उसके दे के आता हूँ। और सुनो, 2000 रुपए का हार बेका है मैंने उन्हें कल परसों। 2000 रुपए का हार? हाँ 2000 रुपए का हार। अच्छा, तुम 2000 रुपए का, तुम्हें अटैक आ जाएगा। अटैक काय को आ जाएगा अटैक? क्योंकि तुम 2 रुपए की चीज नहीं खरीदने वाली, 2000 रुपए का कैसे खरीद लोगी? चुप कर, चल जा रहा हूँ मैं। ओए वापस लौट जा, चल तू जा, यहाँ झाकेगा नहीं, वापस लौट चल। वापस लौट जा, मैंने कहा वापस लौट, नहीं तेरा डंडा तेरी कमर पे बजा दूंगी, लौट चल। मैंने कहा वापस लौट। मैं अपनी दुकानदारी कैसे खराब कर दूं तुम्हारे चक्कर में? तो तू जाके दिखा, वापस जा चल, निकल। बड़ी आई सबकी अंदर बनने। बाहर निकल के आइए ना जरा।
बैठा नहीं ना तो खाली कर सिया। अरे चल तू छोड़, खाली कर दिया तो पानी लेने गई थी। पानी नहीं आ रही, पानी लेने मैं तो इंतजार कर रही थी पानी का, आया डकोसने के लिए। तेरे हलकते में बास ना कर दूं मैं। ये बता, तू तो ये कह रही थी कि मेरा भैया देके गया इस हार को। हां तो है भैया ही देके गया। भैया देख गया, बुलाओ उस भैया को। क्या कह रही हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बुलाओ उस भैया को जो तेरा भैया वो हार देके गया है। कौन से भैया जी के 2000 रुपए नू उड़ा दिए तूने धर के। हैं 2000 रुपए कौन कौन कह रहा है तुमसे? कौन कह रहा है? वो जो वो फेरी वाला आता वो नहीं कह रहा, वो कह रहा था मुझसे अभी कि तुम्हारे घर में तो मैं दे दे के आता हूँ सामान, तुम तो 2 रुपए की चीज ना खरीदो, हमारी बेइज्जती और करा रही है तू। उससे फेरी वाला झूठ बोल रहा होगा। हाँ, वो तेरा यार लगता है वो, इसलिए झूठ बोलता होगा। लिया ऐसा है, तू तो बड़ी नीच और निकम्मी औरत निकली। मैंने तो तुझसे बड़ी उम्मीदें लगा के बैठी थी, मुझे बहुत अच्छी संस्कारी बहू आई है मेरे घर में, ऐसी ना खरीदी है। अरे चल चल, संस्कारी कहाँ से है तू? संस्कारी दिख रही हो किधर से? तेरे अंदर संस्कार लटक रहे। मुझे तो तू जब पहले दिन ही देखी थी ना, मैं तभी तो मारे अंदर संस्कार दिख रहे। अरे कूट कूट के भरे हो, तेरी तरह अशिया ना करती हूँ। तुम्हारी तरह मोहल्ले में टकराती नहीं हूँ मैं, चिल्ला चिल्ला के बकती हो। मैं मोहल्ले में चिल्लाती हूँ, सांप कहती हूँ, सांप कहने वाला बुरा है। मोहल्ले में भी बात जाती हूँ, ऐसी जाएगी और मेरी हुकूमत चलती है, ठीक है ना? मुझसे देवी बकवास ना करो, ठीक है? हराम खोल लेडीज, इसे तो मैं घर में ना रहने दूं। अरे भाभी राम राम। मैं कहीं विदेश से ना आती हूँ जो राम राम करते हो। भाभी जाते जाते कर लो। एक बात बता रही हूँ सुनो, कहीं तुम्हारे 2000 रुपए ना वो हुए खोए, ठीक है ना? तुम्हारी लुगाई वो अय्याशियां कर रही है, 2000 रुपए के हार पहन रही है, 2000 रुपए के सिंगार लगा रही है। अरे भाभी, तभी मैं कहूँ भाभी मैंने लिए ही नहीं है 2000 रुपए, और आज तुमने मतलब तुम्हें इल्जाम लगा रही है। मालूम कैसे पड़ी तुम्हें? मालूम ऐसे पड़ी, वो जो फेरी वाला आता है ना, वो कॉस्मेटिक का सामान जो बेचता है, वो बता रहा था तुम 2 पैसे का सामान ना खरीद सको तुम्हारी वो तो उस घर में। मैंने कहा उस घर में तो एक ही नागिन रहती है हमारे में, जो कुंडली मार के हमारी जिंदगी में बैठी हुई है, और वो डंक मार देगी ना हम सब मर जाएंगे। मैं सही बता रही हूँ भाभी, चिंता मत करो। पर मैं भी उच्छादारी हूँ भाभी, मैं कह रही हूँ इसकी देह में मसाला भर दो। मैं सच बता रही हूँ देवर जी, देखो मैं परेशान आ गई इस घर से, है ना? मेरे घर को ऐसे लुटवाएगी ये भाभी? मैं भाभी मैंने एक बात और नहीं बताई तुम्हें। क्या बात? मैंने छुपा के रखी। इसने मुझसे ये तक कहा था कि इस घर में से आधा आधा कर दो, हमें न्यारा कर दो। मैं करूंगी न्यारा, इसे तुम मेरे ऊपर छोड़ो, मेरा आदमी भेजता है। भाभी देवर जी मैं टेंशन ना लो, मैं न्यारा नहीं होने दूंगी इसे, इसे धक्के मार के घर से बाहर कर दूंगी। आज चिंता ही मत करो, मेरे साथ हो ना भाभी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे मैं किसके साथ जाऊंगा? एक बात बताओ भाभी, कल परसों की आई हुई और मुझे तुमने जन्म से पाला है, चिंता मत करो भाभी। या तो आज यही रहेगी घर में या मैं रहूंगा, आज उसकी देह कुटाई करूंगा। तोड़ो ने मोहल्ले तक आवाज जानी चाहिए पिटने की। भाग्यवान बाहर निकल पहले तो। तुम चिल्लाते ही आते हो, कभी प्यार से भी बोलते हो? अच्छा प्यार से बोलूं? खाक, एक बात बता, तूने 2000 रुपए के ये लाली लिपस्टिक खरीद लिया और ये हार खरीद लिया, तू हमें पागल समझती है? हैं? तुमसे कौन कह रहा था? अच्छा मतलब कि तू मुझे नहीं बताएगी तो मुझे मालूम भी नहीं पड़ेगा। लगता है तुम्हारी भाभी ने तुमको भड़का दिया है। अच्छा तो वही मुझसे लड़के गई है? ऐसा जानते रहे भाभी के बारे में, गाल मत बजा जाना। तुम मुझसे गाल मत बजाओ, ठीक है? पति हो पति की जगह पे रहो, इसका मतलब ये नहीं तो मेरे सर पे चढ़ जाओगे। चढ़ो हाथ मत छोड़ना, अगर तुमने मुझसे हाथ छोड़ा ना तो मैं तुम्हें छोड़ के पीर चली जाऊंगी। जा पीर, जिंदगी भर तक के लिए चली जाऊंगी। जा तो ठीक है, मैं जाती हूं। तेरे लिए यहां कोई जगह भी नहीं है, जा अपने पीर पाल लेंगे तेरे पीर वाले। बताओ ऐसे करेगी तो कौन? अब मुझको रहना भी नहीं है, और हाँ मुझे बुलाने पहुंच भी मत जाना। इसका मतलब मेरी इस घर में कोई कदर ही नहीं है। भगवान तुम आते हो वो चिल्लाती हो, जिठानी आती है वो चिल्लाती हुआ। अरे मेरी मैं इस घर में कूड़ा हूँ क्या? अरे बैग तो छोड़। अरे बैग तो भाग्यवान मैं बताऊँ, देख तू ऐसी बात मत किया कर, एक बात बता। तुम मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे, इसका मतलब 2000 रुपए मैंने खर्च कर लिए? देख हाँ? अरे 2000 रुपए जब भाभी ने मुझसे कही हाँ? कि ऐसे ऐसे बात तो मेरे साथ ना रह के अपने भाभी के साथ रहो हाँ? क्यों मैं तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे लिए। अरे भाग्यवान चिंता मत कर, अब देख रहना तो हमें तेरे साथ है, पूरी जिंदगी तेरे साथ गुजरेगी हमारी, ऐसी बात तो नहीं है। भाभी के साथ रहो ना, तुम उसी की बात मानते हो? हाँ मैं कह तो रहा हूँ, अब चल कोई बात नहीं, दूर डाल 2000 रुपयों पे, मैंने तुझसे कुछ कही तो नहीं 2000 रुपए के बारे में। सब कुछ तो कह लिया और क्या कहोगे? अरे चल माफ कर दे भाग्यवान, अब तुझे क्या क्या चाहिए मुझे तो बता दे, क्या चाह रही है तू? मैं इस घर में आधा आधा चाह रही हूँ, और मैं अलग रहूंगी, मैं उस जिठानी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। चल ठीक है, हम जो भी इच्छा पूरी करेंगे, मैं अभी जाता हूँ भाभी के पास, मैं अभी उनसे कह के आता हूँ। अगर तुम अलग नहीं रहे ना
तो मैं जिंदगी भर तक के लिए तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं 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 भाग्यवान, तू बैग पकड़ और अंदर जा, मैं अभी जाता हूँ भाभी के पास। जा तू अंदर जा, मैं भाभी के पास जाता हूँ। अरे भाभी के पास जाता हूँ भाग्यवान, गर्म मत हो, मैं समझ रहा हूँ, भाभी से बात करूँगा, अलग ही होंगे। भाभी। हाँ बोलो। अरे बात सुनो, झाड़ू छोड़ो पहले तो। हाँ बोलो। बात करने आया तुमसे मैं। हाँ बोलो, अकड़ के कैसे बात कर रहे हो? क्या? हाँ, अकड़ के? नीची करके बात करो। अरे हम अकड़ के करेंगे। चुप। सुननी हो नहीं, ऐसा है। हाँ। हमारी जगह हमें दो और अपनी जगह तुम लो। क्या? न्यारे करो हमें। अपनी जगह मतलब हमारी जगह हमें दो और अपनी जगह अपनो लो। न्यारा करो, सुनी नहीं कानों से तुमने? लिया मैंने। हाँ तो भाई न्यारा करो हमें। अच्छा तो मार दिया मंत्र। कौन सा मार दिया? जादू टोना। कौन सा जादू टोना? दी तुम्हें गुट्टी। अरे खाना खा के गुट्टी और गुट्टी है ना, मुझे सब पता लग रही है भाभी। दांत फाड़ोगे ना, ये मजाक ना चल रहा है। अरे मजाक का चल रही है, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, सुननी हो नहीं। न्यारा करो और सुनो, आधा आधा होगा हर चीज में से। अच्छा हाँ, कहते होगा है? कहते होगा, सुना। हाँ एक बिल्कुल अलग नहीं दूंगी, और अगर न्यारा ही होना यही जिद है तो वो वाला वो जो घेर के बराबर में जो कुठरिया बन रही है दो वो ले लो। चलो भाभी नहीं लूंगा मैं उसे, मैं लूंगा तो इस वाले मकान को लूंगा, वरना मैं उसे लूंगा नहीं। लेके दिखाओ तो मैं भी तो देखू, मेरा आदमी की वजह से ये घर चल रहा है। अरे हाँ तुम्हारा आदमी, तुम भी पराए घर की हो। पराए घर की तो हूँ, लेकिन जिस दिन से आई हूँ, अरे तुम छोटे से नेक्से से आज भाभी की आंखों में आके डाल के बात कर रहे हो। आंखों में तो क्या करें, क्या करें, ऐसा है समझ में आ गई ना? क्या कैसा? बिल्कुल नहीं दूंगी मैं। हाँ सबसे ज्यादा तो चक्कर क्या है ना कि अय्याशिया करने के लिए उसे नहीं मिलना होगा। भाभी ऐसा है, काय को खाने का, हमारी काय को खाना, खोपड़िया खराब कर रही हो। क्या कर रही है? खोपड़ी खराब, खोपड़ी खराब तो तुम मेरी करने आए हो। एक तो घर का भी करो, घेर का भी करो, महारानी पे कुछ होता है नहीं। अरे कान दो, आधा करो बात खत्म। ना कर रही आधा, बिल्कुल नहीं होगा आधा। घर भी मेरा, घर भी मेरा, और भैंसे भी मेरी। अरे काय को खाने का भी मेरा, तुम कहीं ना छाती पर रख के ले जाओगी तो तुम ही कहा ले जाओगे? ससुराल वालों को चटा दोगे या अपने उनको, उसके यार हनुमान को चटवा दोगे? अरे कोई चाटे हमारे यहाँ। ठीक है, क्या ठीक है, कह ही रहे हो तो मैं कर दूंगी। अरे करो, करना पड़ेगा। कैसी बात कर दी तुमने, लेकिन मेरी बात सुन लो कि इस उस घर में ना रहन दूंगी, बराबर वाला घर है उसमें रहन दूंगी। ऐसा है, हिस्सा उसी घर का है, मैं उसी में रहूंगा, ना रह दूंगी। और सुनो, एक भैंस दूंगी और दो थाली, दो कटोरी, दो चम्मच, एक लोटा और एक बोरी गेहूं और एक भैंस। कछुए दो ना, तुम तो ज्यादा करके दिखा दूं। अरे ज्यादा मारो देवर जी, कोई हिस्सा निकल गया तो मेरे मत्थे और मर जाएगी वो डायन। चुप करो, ठीक है ना, हिस्सा निकल गया। चलो तुम्हें न्यारे करूं, और वैसे तो मैं दूध घी खाए हुए ना। अबे रुक जा, वैसे तो मैं कह रही हूँ न्यारे मत हो, मान जाओ, वो बर्बाद कर देगी तुम्हें। ऐसा परमेश्वर कृपा करो, चल न्यारा करो, न्यारा करो, चल तुझे न्यारा करो, चल। मार रही हूँ खाना, मार मैं तुम्हें। आओ तेरी खुजली मिटाऊ पहले। अरे शांत रहो, खाना खाएंगे, बात कर रहे हो, गाली और देती हो मुझे। इधर आ, कह दूंगा भैया तो। मैं तो मन कर रहा दो मारू तेरे कान पे, बुला उसे। भाग्यवान हीरोइनी को, हीरोइन ही है वो, बड़ी हीरोइन है ये, किसी हीरोइन से कम नहीं हूँ। जा वो शॉर्ट शॉर्ट वो पहन के जा, दिखाया उन्हें अपने यार और अनुआ को। तुम क्या रोक लोगी मुझे? हाँ नंगी घूम जा, नंगी घूम ले जा, तुम्हारे सामने पति मुझे बुलवा रहे हो मुझसे? ऐसी बोलूंगी अब सुना, तुम मेरे पति हो ना दुश्मन? अरे मैं पति हूँ, हमें तो आज तक यही पता चली कि तेरा पति कौन है। देखो ज्यादा मत बोलो, शांत रहो भाभी। सुन न्यारे हो जाओगे, ठीक है पहुंचो घेर पे, चलो पहुंचो। एक बोरी गेहूं, एक भैंस, दो कटोरी, दो गिलास और दो थाली और एक लोटा। कोई बात नहीं भाग्यवान, हम इतने में गुजर बसर कर लेंगे, तुझे पता है कि मैं कितना मैं कितना मेहनती हूँ। और जेवर एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। तुमने बड़ा नाक में दम कर रखो हमारे, गहने वहने ना देने क्यों मैं? सोना दोगी? क्यों नहीं दोगी? गहने वो सासू माँ की, भाग्यवान दोनों का आधा हिस्सा है। मैं सासू माँ की बड़ी आई हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ना इनसे, तो मैं निमट सकता हूँ। बोलेगी जरूर, सुना खुजली है, खुजली मिटाई है, मैं निपटूंगा तुमसे। सुनो क्या है, तुम्हारे भैया आ जाएंगे तब दूंगी मैं सब सामान। भैया आ जाएंगे? और भैया आ जाएंगे तो जेवर ले। अरे दो महीने कुछ कमा के तो दिखाओ, दाल बजाने से कुछ नहीं होता ये। ये जितना पैसा लग रहा है ना इस घर में, मेरा ये किसी का समझना। ये तो कुछ कमाते नहीं, चलो पति कमाते हैं। चलो यहाँ बहुत कमा लिया, वहाँ कमा के दिखाना, मैं भी तो देखूँ बहुत कमाने वाले हो। भी कमाएंगे खुश रहेंगे, हवेली सुननी नहीं पड़ेगी। हवेली 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 बना, चलो हवेली बनाओ, हवेली बनाओ। चलो जी सूरत हमारे यहाँ से खड़ी हूँ मैं, ठीक है? चलो कपड़े और लट्टे बांधो।
मन का ऐसा कर रहा है। मैं कहती हूँ चलो मजे किसी और के साथ लेती है, पति इसको कहती है। रुक जा, अभी रुक जा, मजे तो पाए। रबड़ी ले, जलेबी ले, मूंगफली ले, रबड़ी ले, जलेबी ले, मूंगफली ले। कोई क्यों नहीं आ रहा? पैरी ना हो, खूब भगवान ने इतने बड़े बड़े कान दिए हैं मुझे, पूरे मोहल्ले की सुन लेती हूँ मैं, समझ में आ गई ना? हाँ तो फिर ले लो। क्या ले लो, क्या दे रहा है तू मुझे? खाने पीने का सामान। अरे चले ऐसे लोकल सामान ना लेती। और सुन, जिस ग्राहक के लिए तू आवाज लगा रहा ना, वो ग्राहक यहाँ ना दे रहा, वो ग्राहक तो मैंने न्यारा कर दिया कब का, वहाँ घुमा रहता है वो घेर पे, ठीक है ना? मूंगफली ले। क्या देख रहा है इधर उधर? अरे मैं सामान बेच रहा हूँ अपना। तो तू सामान यहाँ क्यों बेचेगा? यहाँ क्यों बेचेगा? या तेरी अम्मा का नारगढ़ा है, या तेरी अम्मा की समाधि बनी है, या तेरी लुगाई के बच्चे हुए हैं? मेरा पूरा खानदान गड़ा है यहाँ, मैं यहीं बेचूंगा। तो तू बेच के दिखा, देख बेच के दिखा, निकल यहाँ से, चल जा। मेरा ग्राहक कहाँ है? तेरा ग्राहक भी जेब में धरा, ले ले, लेगा मूंगफली ले, मैं हवस मिटाएगी उसकी। रबड़ी ले, जलेबी ले, मूंगफली ले, रबड़ी ले ले। अरे तुम आ गए? आ गया मैं। तुम मुझे लगता है ये बताओ कोई बात हो गई? तुम ये औरत तुम्हारी कौन लगती है? मुझे लगता है तुम पल्ले घर पे गए थे। मैं उसी घर गया था जिस दिन पहले हार बेच के गया था तुम्हें। हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुम तो वही घर देखा, घर तो देखा ही नहीं था। वैसे क्या हुआ? क्या हुआ? झगड़ा हो गया, और क्या हुआ? अरे वो मेरी जिठानी है, तुम्हें तो पता है वो कैसी है, एक नंबर की बदमाश, हर वक्त मुझसे चू 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 लड़ती रहती है, बकवास करती रहती है। मैं उसका भी इलाज करता, मतलब इसलिए मैं उससे न्यारी हो गई, अलग हो गई। चलो सही है, कम से कम कह के तो नहीं होती। अच्छा मैं वो ले आया हूँ, रबड़ी नहीं, बच्चे नहीं होते ना तुम्हारे? अच्छा अच्छा, वो तुमने दवा जो मंगाई थी। हाँ तुम बड़ी जल्दी भूल जाती यार। भूली नहीं हूँ मैं, फिर आज लड़ाई हुई थी ना, तो दिमाग थोड़ा ऐसे ही हो रहा है मेरा बेकार, लड़ाई की वजह से ना मेरा दिमाग बहुत टेंशन में है इसलिए। हाँ तो तुम वो जो तुमने दवा ववा लेके आयो, चलो अंदर चलो, चलो मुझे चलो, दे दो, आ जाओ, चलो, चलो। यहाँ बैठ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कुर्सी पड़ी है इस पे बैठ जाओ। हाँ अब दो जो रबड़ी बबड़ी है मेरी, पहले तो उसको दो तुम। ये बबड़ी कहाँ है, वो जल्दी दे दो। पहले वो दवा तो दे दो बच्चे करने वाली। हाँ दवा भी दो। वो दवा कहाँ गई, यहीं तो रखी थी। तो ये पकड़ो दवाई। अच्छा, अब इसका क्या करना है बताओ। हाँ बताओ बताओ क्या इसका ये करना है। सुबह शाम चाय पीती हो? हाँ। तो शाम की चाय छोड़ के सुबह वाली चाय में एक एक गोली लेनी है। मुझे लेनी है चाय के साथ? मुझको? हाँ ठीक है। उससे पहले कुछ खाना नहीं है? ठीक है ले लूंगी। हाँ। और वो मेरी रबड़ी? और रबड़ी, हाँ देखो इसमें रबड़ी, जलेबी और दो तीन आइटम और है, बहुत प्यार से लाया हूँ, इसे तुम खा लेना। और अब पैसे हो गए, पैसे दे दो हमारे। पैसे? हाँ को आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, और देखो सामान मुझसे वापस मत लेना तुम। अब बिना पैसे के कैसे दे दूंगा? अरे बिगर पैसे तो उधार कर लो ना, परसों दे दूंगी मैं। अरे उधार उधार मैं नहीं देता, उधार 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 मैं नहीं देता, उधार पैसे दे दे। अच्छा तो एक काम करो, मेरे कुछ बर्तन बर्तन है, तुम उनको ले जाओ आज। अरे उन बर्तनों से मेरा क्या हो जाएगा ये बताओ, इतने की तो दवाई है, इतने बर्तन होंगे, बर्तन भी लूंगे इतने के। ऐसा करो एक बोरी गेहूं है, उनको तो ले सकते हो ना। अच्छा अच्छा, हाँ वो है, ऐसा हो सकता है। कितने गेहूं है? एक बोरी है, एक बोरी, एक बोरी। हाँ हाँ तो मैं उसे ले जाऊंगा फिर। चलो चलो चलो, तो मैं बोरी उठवा दूँ तुम्हें? तो बोरी उठवाओ लो। चलो चलो भाग्यवान, भाग्यवान। हाँ बोलो। अरे भाग्यवान ने भूख लग रही है, रोटी वोटी बना दे, मैं खाना पीना खा लूं। रोटी वोटी कहाँ से बनाऊं, कुछ है घर में आटा वाटा है कुछ? कुछ है का मतलब क्या होता है कि कुछ है? आटा नहीं है? अरे आटा कहाँ है, तुम लेके आए थे? अरे तो कोई बात नहीं, आटा नहीं है तो वो ऐसा है, एक ने मुझे वो दिए थे गेहूं दिए थे, और वो मैंने घर में ही रख दिए थे, वो पीले से कट्टे में ना, मुझे वो तो उठा के दिए थे, मैं डाले आ रहा हूँ। पीले से कट्टे में? हाँ जो गेहूं रखे थे ना। हाँ गेहूं जो रखे थे उनको सारे मुँह से खा गए। हाँ। इतने मोटे मोटे मुँह से, वो भी कहाँ से आया पता है? वो जिठानी के घर में से, उसी ने छोड़े होंगे, मोटे मोटे मुँह से खा गए। और क्या गेहूं खा गए मुँह से? और क्या? अरे मैं ये तो बता भाई कि मुँह से होती क्या चीज है, मुझे तो मैं और पता नहीं उसमें पढ़ रहा हूँ, ये नहीं पता मुँह से क्या। अरे चूहे, चूहे जो बोलते हैं। चूहा? छोटे छोटे चूहे? छोटे नहीं, इतने मोटे मोटे, मोटे मोटे चूहे। हाँ, कि तुम्हें भी खा जाएंगे, इसमें पैर से चिपट गया ना तो इतना मांस खींच ले जाएंगे तुम्हारा। अरे यार गेहूं है, थोड़ा सा भी नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा।
गंदा करके और डाल दिया था पूरा घर। मैं तो झाड़ू लगा लगा के सफाई और करी है। अब ऐसा है तब तू इस घर में नहीं रहेगी। अब इस घर में नहीं रहेगी। क्यों मार रहे हो मुझे? घर में नहीं रहेगी। तो मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? हाँ अभी अंदर चल, अंदर चल और अपना बैग पैक कर, चल निकल घर से बाहर मेरे। चल अंदर, चल अंदर। मुझे कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, मुझे कोई क्या हो रहा है? अब अलग हो के भी तुम लोगों को चैन नहीं है? अब लड़े मरे कटे मरे जा रहे हो। अरे भाभी क्या करूं, मैं परेशान हो गया हूं उससे। अब इसे घर से बाहर ही निकालूंगा, मैं रखूंगा नहीं। तू ऐसा क्या कर दिया अब इसने? क्या कर दिया? तुमने मुझे बंटवारे में गेहूं दिए थे। हाँ दिए थे। दिए थे वो गेहूं रखे थे घर में। मैं कहा इससे आके मेरे लिए रोटी बना दे। इसने इसके बाद क्या दी कि आटा नहीं है घर में। मैंने गेहूं उठा के दे दे, मैं पिसवाया आ रहा हूं। तो क्या बोलती है? छूटते गए। ये बोलती है कि वो तो चूहे खा गए। अच्छा तो मैंने गेहूं कितने दिए थे? अच्छा ये मतलब एक कुंटल गेहूं दिए थे। एक कुंटल गेहूं चूहे खा जाएंगे? एक कुंटल गेहूं चूहे खा जाएंगे? तेरा दिमाग सड़ गया? दे दिए होंगे किसी अपने उसको लवर को? देखो जी मैं, अरे चल वहां निकल। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्या तू जाएगी? बच रहेगी? अब तो तू घर के अंदर जाने वाली है नहीं। तू ये बात ठान ठान ले। मायके वाले तो बहुत पैसे पैसे वाले हैं। अरे भाभी इसे छोड़ के आऊंगा वहां पे और मैं करूंगा अपनी दूसरी शादी। नहीं नहीं दूसरी शादी नहीं। देखो मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं ऐसा नहीं करूंगी। माफ कर दो? तू माफ करने लायक ही नहीं है। बैग उठा। नहीं नहीं छोड़ के आ। नहीं नहीं क्या सुन लो क्या कह रही है? मैं माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे भाभी से मूड खराब कर दिया मेरा। अब ऐसा नहीं करूंगी। क्या भाभी से माफी? दीदी मुझे माफ कर दो। ठीक है लेकिन अपने घर को घर की तरह चलाना चाहिए। दीदी अब मैं शादी के बाद औरत का उसका अपना ही घर, उसका ससुराली उसका अपना घर होता है। अरे बसंत बेचारी हमारी भाभी भी तो है, वो भी तो कैसे रह रही है, उनको भी तो देख। भैया नहीं है यहाँ पे तो फिर भी तो बेचारी रह रही है वो। बाहर के लोग तो मजे लूट जाएंगे और पैसा खर्च करवा जाएंगे, फिर अपना आदमी और अपने घर के काम में आते हैं। समझ में आ गई ना? दीदी मुझे उसने भड़का दिया था वो। हाँ तो दूध पीती बच्चे हो, तुझे कोई भड़काएगा? चलो अब घर तू घर ही रहना। उसे तो मैं देखूंगा हनुमा को, वो कान डलिया लेके डोलता हुआ डलिया फेंक के मारूंगा। अब वो आएगा ही नहीं। अब मैं उससे सामान नहीं लूंगी। अब आगे से तो नहीं करेगी? कुछ भी नहीं लूंगी। ऐसा है मेरा तो दिमाग खराब हो गया भाई, मैं अब बोल नहीं पाऊंगा ज्यादा बात खत्म। मुझे माफ कर दी दीदी, मैं अब साथ ही रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना। भैया मैं ना रखूंगी दीदी, तू तो मेरे घर में भी ऐसे लुटवा देगी। दीदी मैं आगे से कुछ भी नहीं करूंगी। आई है 2000 रुपए का पता नहीं चलने दिया तूने, कहाँ चला गए? आगे से कुछ नहीं होगा, सारे पैसे वैसे तुम रखना अपने पास, मैं कुछ भी नहीं रखूंगी। देख मेरे घर में एक ही शर्त पाएगी, बढ़िया तरीके से रहेगी और सारे घर का काम करेगी। जैसा कहोगी वैसा रहूंगी। काम करियो मत करियो लेकिन थुकाइयो मत। और क्या? मगर मुझे अपने साथ ही रखो, मैं तुम्हारे साथ साझी रहना चाहती हूँ। चल आ जा, अकेली नहीं रहना। चलो आओ मेरे साथ ही रहियो तुम सब लोग। चलो भाई चलो।